नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो जेमिनी द कॉस्मिक हिलर में। आज मैं बात करने वाला हूँ वृषभ लग्न वृषभ राशि का अक्टूबर का महीना कैसा जाने वाला है। लेकिन उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और पूरा वीडियो देखें। सब्सक्राइब करते वक्त घंटी का बटन ज़रूर क्लिक करें जिससे मेरे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल पाए। तो वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों का अक्टूबर का महीना, लग्न भाव में कोई ग्रह नहीं है, लग्नेश शुक्र जो है वो चतुर्थ भाव में मंगल के साथ विराजमान है जो कि सप्तमेश भी है। तो यहाँ पर सुख के स्थान में शुक्र यानी लग्नेश विराजमान होने की वजह से आपका अपनी पत्नी के साथ यानी सप्तमेश है जो मंगल, उनके साथ काफ़ी अच्छी बनने वाली है, पटने वाली है और दोनों के बीच में काफ़ी अच्छा सा तालमेल बना रहेगा। दूसरे भाव में कोई ग्रह नहीं है, द्वितीयेश जो है वो पंचम भाव में विराजमान है। तो यहाँ पर आपको धन कुटुंब वाणी में काफ़ी अच्छा सा एक इम्प्रूवमेंट मिल सकता है, आपके घर में भी एक शांति बनी रहेगी, स्पेशली बच्चों का भी आपको काफ़ी सपोर्ट मिलेगा, उनका परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा रहेगा। तीसरे भाव में राहु विराजमान है तो आपका पराक्रम जो है वो ज़बरदस्त बना हुआ है, आप विरोधियों को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से पीछे पछाड़ दे रहे हैं, जिस वजह से जो है आपको ऐसा हो सकता है कि थोड़ी सी शत्रुता हो, लेकिन इसमें विशेष कोई घबराने वाली बात नहीं है, शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। चौथे भाव में शुक्र मंगल विराजमान है, जैसा कि मैंने कहा कि काफ़ी अच्छा घर में रोमांटिक माहौल बना हुआ है, साथ ही साथ आपका अगर आप स्टडी करने में इंटरेस्टेड हैं स्पेशली विद्यार्थियों के लिए भी काफ़ी अच्छा सा एक शुभ संकेत बना हुआ है, क्योंकि चतुर्थ भाव जो होता है वो हायर स्टडीज़ का होता है, तो यहाँ काफ़ी अच्छा एक चांस बना हुआ अगर हायर स्टडी करना चाहते हैं तो। पंचम भाव में बुध और सूर्य विराजमान है तो यहाँ पर बुधादित्य योग बना हुआ है जो कि बहुत एक शुभ संकेत है कि जो स्टूडेंट है उनका जो परफॉर्मेंस है, उनकी जो पढ़ाई है काफ़ी अच्छी रहेगी, स्पेशली अगर एग्ज़ाम चल रहे हों हाफ ईयरली या मिड टर्म, तो वहाँ पर आपका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रह सकता है। अपने कंपटीटरों को आप बहुत अच्छे तरीके से सबक सिखा सकते हैं क्योंकि इस महीने आपका फोकस जो है पढ़ाई पर अच्छे तरीके से लगा हुआ है। छठे भाव में गुरु विराजमान है जो कि अष्टमेश और एकादशेश हैं, तो यहाँ पर हो सकता है कि शत्रु आपके पीछे पड़े, वैसे वो आपका कुछ खास बिगाड़ नहीं पाएंगे, लेकिन अष्टमेश और एकादशेश होने की वजह से किसी अच्छे मित्र के द्वारा आपको धोखा मिल सकता है या ऐसा हो सकता है कि आपको उस अच्छे मित्र द्वारा कोई नुकसान भी हो। सप्तम भाव में शनि विराजमान है तो यहाँ पर थोड़ा सा पत्नी से, जैसा कि मैंने कहा कि उनके साथ अच्छा रोमांटिक माहौल बना हुआ है, बट आपको इस चीज़ से बिल्कुल परहेज़ करना है कि उनके साथ किसी भी तरह का आर्ग्यूमेंट ना करें, अपने लाइफ पार्टनर के साथ बिल्कुल अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग बना के रखिए, क्योंकि अगर आप आर्ग्यूमेंट करते हैं तो आपकी बात बिगड़ सकती है। अष्टम भाव में कोई ग्रह नहीं है, अष्टमेश गुरु जो है वो छठे में विराजमान है, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको रोग सता सकता है, स्पेशली सर्दी जुकाम या बुखार या उस तरह की कोई इन्फेक्शन आपको सता सकती है, तो उस ओर आप विशेष ध्यान दीजिए। नवम भाव में केतु और चंद्र विराजमान है, तो जब नवम भाव में केतु और चंद्र विराजमान होते हैं तो यहाँ काफ़ी धर्म कर्म के काम कराते हैं, हालांकि केतु और चंद्र का एक ग्रहण योग बना हुआ है, लेकिन नवम स्थान जो है वो धर्म का स्थान है, वहाँ केतु का एक विशेष फल मिलता है, आप धर्म कर्म के काम में इसमें थोड़े से लगे रहेंगे जिससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। और अगर आप ये केतु के दान करें या चंद्र का दान करें तो आपको विशेष रूप से लाभ मिल सकता है। दशम भाव में कोई ग्रह नहीं है, दशमेश शनि जो है वो सप्तम भाव विराजमान है, आपकी पत्नी की ओर से विशेष रूप से आपको इस महीने लाभ मिल सकता है, हो सकता है कि आपके पत्नी द्वारा या आपके पत्नी के घर वालों द्वारा आपको कोई ऐसा कॉन्टैक्ट मिले जो कि आपके काम को आगे बढ़ा सके। एकादश भाव में कोई ग्रह नहीं है, एकादशेश जो है वो छठे भाव में विराजमान है, तो यहाँ पे बंधुओं या साथियों से कुछ ऐसा आपको प्रॉब्लम हो सकता है या फिर समझ लीजिए कि नुकसान हो सकता है, तो उस ओर आप बिल्कुल सावधान रहिए, कोई भी सीक्रेट अपने किसी भी क्लोज फ्रेंड से भी ना कहें क्योंकि ये महीना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। द्वादश भाव में कोई ग्रह नहीं है, द्वादशेश मंगल जो है वो चतुर्थ भाव विराजमान है, तो आप सुख के साधन को खरीदने के लिए कुछ ज़्यादा पैसे खर्च कर सकते हैं, हालांकि वो खर्च आपके सुख के लिए है तो वो लाभकारी है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा खर्च ना करें जिससे कोई बात आपकी बिगड़े।
तो ओवरऑल ये महीना काफ़ी बेहतरीन है वृषभ लग्न वृषभ राशि वालों का। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ 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 कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें ताकि दूसरे भी इसका फ़ायदा उठा सकें। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।